हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो हम मैथ के सर्कल के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें इक्वेशंस काफ़ी हैं, सर्कल की इक्वेशंस और बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सर्कल को पढ़ने के लिए लोकस देख लेते हैं। लोकस होता क्या है, ठीक। लोकस क्या होता है? बेसिकली एक पॉइंट होता है, ठीक है। उस पॉइंट को कुछ रिस्ट्रिक्शन या कुछ किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग वो मूव करना। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझ में आएगा। जैसे हम कह दिए एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल ले लिए। अब मान लीजिए व्हील है, ठीक, ये व्हील है। यहाँ हमने पॉइंट पी कंसीडर कर लिया, ठीक है। अगर ये मूव करेगा, ठीक है, विजुलाइज करिए, ये अगर मूव करेगा तो ये मतलब अगर ये सर्कल है, जैसे ये पॉइंट ऐसे कंसीडर कर लेते हैं, ये पॉइंट है, ठीक। अगर ये मूव करेगा तो ये ऐसे मूव करेगा, ठीक, मतलब ये मूव करके यहाँ आ जाएगा। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट पी, जो पॉइंट पी है वो नीचे आ जाएगा, ठीक। फिर ये पॉइंट है, जब ऐसे मूव करेगा, ऐसे मतलब जब ये पॉइंट है और ये अगर थोड़ा बड़ा ले लेते, इसकी जगह पर अगर बड़ा होता, जैसे ऐसे मूव करते यहाँ पहुँचता, तो ये पॉइंट ये फिर से ऊपर आ जाता, ये पॉइंट फिर से ऊपर आ जाता। तो इसके पॉइंट से जैसे जो बनेगा, ठीक है, जो बनेगा, जो पाथ को ट्रेस करेगा, जैसे जो पाथ को वो ट्रेस करेगा, जो पाथ को ये पॉइंट करेगा, उस पर एक अगर लाइन ड्रॉ कर लें तो इसे लोकस बोलते हैं, ठीक है। ये हमेशा किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग ही मूव करेगा, किसी रिस्ट्रिक्शन या किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग ही मूव करेगा, ठीक है। ये हमेशा किसी कंडीशन या किसी के अकॉर्डिंग मूव करेगा। जैसे इसकी पाथ की बात करें तो ये ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, ठीक। लोकस, इसे लोकस बेसिकली बोलते हैं। अब हम कैसे लोकस की इक्वेशन निकालते हैं, ठीक है। इसमें सबसे बड़े आते हैं वो कि लोकस की इक्वेशन निकालते कैसे हैं। तो लोकस की इक्वेशन निकालने के लिए तीन फैक्टर्स पे डिपेंड होते हैं, ठीक है। मेथड्स हाउ टू कैलकुलेट इक्वेशन ऑफ लोकस। कैसे हम लोकस की इक्वेशन निकाल सकते हैं? इसके लिए पहला स्टेप जो है, क्या करते हैं, जो मूविंग पॉइंट है ना, उसको हम पॉइंट पी कंसीडर कर लेते हैं। जो मूविंग पॉइंट है, मूविंग पॉइंट है, उसे हम कंसीडर कंसीडर पी कोऑर्डिनेट कर लेंगे। इसका कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? एक्स कॉमा वाई होगा, ठीक। अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, किसी भी कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको मूव कराएंगे, ठीक है। जो कंडीशन गिवन होगी, उसको किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग मूव करेंगे, ठीक है। तीसरे मेथड्स की बात करें, जो हम सॉरी ये पी वाई नहीं कंसीडर करेंगे, पहले यहाँ एच कॉमा के कंसीडर करेंगे, ठीक है। पहले स्टेप में देखिए लास्ट में क्या होगा, जो एच कॉमा के होगा उसको हम रिप्लेस कर देंगे एक्स कॉमा वाई से, ठीक। चलो एक बार फिर से देख लेते हैं, एक ऐसे इसकी इक्वेशन निकालते हैं। तो सबसे पहला है मूविंग पॉइंट, जो मूविंग पॉइंट होता है, ठीक है, जो लोकस के किसी ऊपर, अगर मान लीजिए कोई लोकस है किसी भी सर्कल के ऊपर, एक पॉइंट मान लीजिए पी कंसीडर कर लिए, वो लोकस है, ठीक। लोकस क्या है? पॉइंट क्या कंसीडर कर रहे हैं? एच कॉमा के, ठीक है। अब मूविंग पॉइंट को किसी भी कंडीशन के अकॉर्डिंग या किसी भी रिस्ट्रिक्शन के अकॉर्डिंग वो मूव करेगा सर्कल में। लास्ट में क्या करेंगे, एच कॉमा के को रिप्लेस कर देंगे एक्स कॉमा वाई से, ठीक। अब एक क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उसकी इक्वेशंस को, ठीक। अब बेसिकली एक चीज तो देख लेते हैं, अगर हम कैलकुलेट कैसे करें, कोई सर्कल है, ठीक है, इसने इस इसने कैसे किया इन्होंने, मतलब क्वेश्चन में देखते हैं कि एक एक कोई रेडियस लेते हैं हमेशा। अगर यहाँ इसमें से
2 मीटर की, और इस फिक्स डिस्टेंस पे एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है। तो इसकी एक लोकस की इक्वेशन, ठीक है, इसकी लोकस की इक्वेशन ऐसे बनेगी, मान लेते 2 मीटर हमेशा है, ठीक, 2 मीटर हमेशा है, तो इसकी इक्वेशन कैसे बनाते हैं इसको हम देखते हैं। तो अगर हमारे पास एक रेडियस क्या है 2 मीटर ले लिए, हम पॉइंट पी को कंसीडर कर ले रहे हैं एच कॉमा के, ठीक, ये सेंटर हो जाएगा, ठीक है, एच कॉमा के से। पहले में क्या किया था कि जो मूविंग पॉइंट पी है, ठीक, क्योंकि ये मूव करेगा तभी तो सर्कल बनाएगा, ये अगर मूव करेगा तभी तो सर्कल बनाएगा। अब पॉइंट पी को हम कैसे कंसीडर कर रहे हैं कि जो इसको ओ मान लेते हैं, अब पॉइंट पी को ऐसे कंसीडर करेंगे कि ओपी की जो लेंथ है, ठीक है, ओपी की लेंथ है इज ऑलवेज इक्वल टू 2, ठीक है, वो हमेशा 2 के ही इक्वल है, ये कंडीशन है, ये रिस्ट्रिक्शन है, इसी के अकॉर्डिंग हम मूव कराएंगे कि जो ओपी की लेंथ है, ठीक है, वो ऑलवेज 2 के इक्वल है, ठीक। तब ओपी की लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको 0,0 कोऑर्डिनेट दे देते हैं, तो अंडर रूट एच माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए, ठीक है। अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, ठीक। तो अब लास्ट तीसरे स्टेप में क्या है, अब एच वाई कोऑर्डिनेट को हम एक्स वाई से रिप्लेस कर देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई, ये 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4। इसकी लोकस की हमारी इक्वेशन ये होगी, ठीक, लोकस की इक्वेशन ये होगी। ठीक, अब बेसिकली सर्कल की इक्वेशन, सर्कल के बारे में बात कर लें। सर्कल क्या होता है, एक लोकस होता है, ठीक है, सर्कल इसको बीच में बनाते हैं, सर्कल एक लोकस होता है, ठीक है, मान लेते हैं इसका ए है रेडियस, सर्कल एक लोकस है जो कि अगर ये मूविंग पॉइंट है, ठीक है, अगर ये लोकस होगा तो मूव करेगा एक पॉइंट, अगर ये मूव करेगा, ठीक, तो जो इसका जो डिस्टेंस है वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहे, ठीक है, इसके इसका जो डिस्टेंस है वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहे, तो क्या फॉर्म हो जाएगा, एक सर्कल ऐसे ऐसे, अगर इस पाथ पे वो फॉलो करेगा तो एक ये सर्कल बन जाएगा। जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं समझाना चाहें आपको, तो जैसे एक हमारे पास हैंकी है, ठीक है, एक हमारे पास हैंकी है, ये मूविंग पॉइंट पी है, ठीक, अगर ये मूविंग पॉइंट है, इसको अगर ये सेंटर है, ठीक, ये जो लेफ्ट हैंड में जो फिंगर है ये सेंटर है, ये राइट वाली ये मूविंग पॉइंट है, अगर इस पर हम एक सर्कल बनाएं, इस पर एक सर्कल ऐसे बनाएं, तो एक इस पे अगर मूविंग पॉइंट कर रहे हैं तो एक सर्कल की फॉर्मेशन करेगा, ठीक, वो हमेशा क्या है, ये जो डिस्टेंस ए है वो ऑलवेज फिक्स है, ठीक। अब हम बेसिकली इक्वेशन ऑफ सर्कल की बात कर लें, ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल कैसे निकालते हैं, इक्वेशन ऑफ सर्कल में पहला केस है कि सेंटर इज 0,0 पे, ठीक। अगर एक चीज देखते हैं, एक सर्कल है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश, ये वाई डैश, ठीक है। अब इसका सेंटर ओ मान लेते हैं जो 0,0 है, ठीक। अब मान लेते हैं रेडियस, यहाँ पॉइंट पी कंसीडर कर लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट्स क्या हो, एक्स कॉमा वाई, ठीक, एक्स कॉमा वाई, ठीक है। अब एक्स कॉमा वाई है और ये रेडियस को हम ए से कंसीडर कर लेते हैं, तो ओपी जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज इक्वल्स टू ए होगी, ठीक। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कैसे है डिस्टेंस, अंडर रूट एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए, ठीक। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ए स्क्वायर ये होगी। अगर क्या हमारे सेंटर क्या है 0,0 है, ठीक है,
अगर हम सेंटर को प्लेस कर दें एच कॉमा के, सेकंड की बात करें, इफ सेंटर इज प्लेस्ड एट एच कॉमा के, तो उसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे, उसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे, ठीक है। मान लीजिए हम सेंटर हमारे पास ये सी एच कॉमा के, ये पॉइंट है, एक पॉइंट है पी एक्स कॉमा वाई, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, और इसकी जो है रेडियस सही है, तो इसकी इक्वेशन निकालेंगे कैसे, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक। ये बेसिकली होगा, अगर हम सेंटर को अपने प्लेस कर दें एच कॉमा के पे, तो जो इक्वेशन निकलेगी ये होगी, ठीक है, ये ए स्क्वायर ही होगा, ठीक, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस दोनों के बीच में लेते हैं, और जब वो करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड तो ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज की बात करें, जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल इक्वेशन ऑफ ए सर्कल क्या होती है बेसिकली, अभी हमारे पास जो आई थी, ठीक है, जो हमारे पास आई थी, अगर किसी भी पॉइंट को देखो, अगर ये हमारे पास इससे पहले वाले क्वेश्चन में आई थी कि अगर हम सेंटर को, यानी हम सेंटर मतलब जो उसका जो सेंटर है सर्कल का, उसको कहीं एच कॉमा के पे प्लेस कर दे रहे हैं, तो इक्वेशन क्या निकल के आई थी, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अब एक चीज़ देखेंगे, इसको और ब्रेक करेंगे, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर यहाँ से आएगा, वाई स्क्वायर हमने यहाँ से ले लिया, यहाँ से क्या करेगा माइनस टू एच एक्स, यहाँ से क्या होगा माइनस टू के वाई, फिर माइनस टू के वाई, ठीक है। देखो एक्स स्क्वायर यहाँ से ले लिया हमने, वाई स्क्वायर हमने यहाँ से ले लिया, माइनस टू एच एक्स माइनस टू वाई प्लस, ठीक है, यहाँ से एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल्स टू ज़ीरो। हम इसको क्या करेंगे, हम ये जो ब्रैकेट है मैं इसको सी मान लेंगे, ठीक है, और इसको सी मान लेंगे, तो ठीक है, तो आएगा क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एच एक्स माइनस टू के वाई प्लस सी इक्वल्स टू ज़ीरो। अब यहाँ क्या करेंगे, हम जनरल फॉर्म में करेंगे, जब इसको जनरल फॉर्म में करेंगे तो माइनस टू एच को हम क्या कर लेंगे, माइनस टू एच को हम करेंगे माइनस टू जी, और इसको करेंगे माइनस टू के को हम कर लेंगे माइनस टू एफ। तो जैसे ही टू एच की जगह पर माइनस टू जी करेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस माइनस पॉजिटिव, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस टू जी एक्स, क्योंकि माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस टू एफ वाई प्लस सी स्क्वल्स टू ज़ीरो। अब ये जनरल, अब किसी भी सर्कल की ये जनरल इक्वेशन है, ठीक है, किसी भी सर्कल की बात करें तो ये जनरल इक्वेशन है, ठीक। अब बात करें, एक डायमीटर फॉर्म है, ठीक है, इक्वेशन ऑफ डायमीटर, मतलब सर्कल की अगर डायमीटर दी हुई है सर्कल की, कि उसकी इक्वेशन कैसे निकालें, सर्कल की इक्वेशन कैसे निकालें, तीन तक हो गया चौथा,
फाइंड द, ये क्वेश्चन के तो उस पर देख लेते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल इफ डायमीटर ऑफ सर्कल इज गिवन। हमारे पास सर्कल ये है, इसके डायमीटर्स हमारे पास दिए हुए हैं, ठीक है। इसको मान लेते हैं ये पॉइंट O है, और यहाँ हम कोई मूवेबल पॉइंट P कंसीडर कर लेते हैं जो है X कॉमा वाई, ठीक। यहाँ से लाइन मिला लेते हैं, यहाँ मिला लेते हैं, ठीक है। इसको कोऑर्डिनेट्स क्या देते हैं, इसको पॉइंट A कंसीडर करते हैं, ये B है, ठीक। इसका क्या नाम, इसको क्या नाम दे देते हैं, X वन वाई वन, इसको X टू वाई टू, ठीक है। ये X वन वाई वन और ये X टू वाई टू। अब यहाँ देखेंगे, हमने नाइन्थ क्लास में पढ़ा था कि अगर टेंथ क्लास में कि अगर एक डायमीटर कहीं भी सर्कल से फॉर्म हो रहा है और कहीं भी कोई एंगल बनाएगा तो ये एंगल हमेशा 90 डिग्री ही होगा, ठीक है। ये एंगल जो है ये हमेशा 90 डिग्री में ही होगा। तो जो ये एंगल 90 डिग्री का होगा अगर, तो इसका स्लोप और इसका स्लोप आपस में इक्वल होगा कि नहीं, इसका स्लोप और इसका स्लोप आपस में इक्वल होगा कि नहीं। तो हम अगर एक चीज़ केस देखते थे स्ट्रेट लाइन में, अगर कोई भी अगर दो स्लोप है तो उनका m1 क्रॉस m2 इक्वल्स टू माइनस वन होता था। तो m1 इसके स्लोप कैसे निकालेंगे, स्लोप कैसे निकालेंगे, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इंटू y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2 इक्वल्स टू माइनस वन, ठीक। अब ये है, ठीक। अगर इसमें मल्टीप्लाई कर दें y माइनस y1 y माइनस y2, ठीक। अब ये माइनस इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा x माइनस x1 इंटू x माइनस x2, इधर लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो x माइनस x1 इंटू x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारा जो इक्वेशन है ये फॉर्म होगा। थैंक यू। तो ये लेक्चर आज तक हुआ, अब अगर नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।